Volume of a parallelepiped with sides represented by three vectors a, b, and c. Let us consider a parallelepiped whose three adjacent sides are represented by three vectors a, b, and c as shown in diagram. A, b, and c, all three vectors are acting at the same point. अब हमें यहाँ पर इस पैरेलल पाइप का वॉल्यूम ढूंढना है. दिस वॉल्यूम इज गिवन बाय ए क्रॉस बी डॉट सी. मींस आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करोगे ए क्रॉस बी, फिर जो रिजल्ट आ गया उसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लोगे. इनफैक्ट आप इस डॉट और क्रॉस को आगे मूव कर सकते हो. मींस आप ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी. मींस पहले आप बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और फिर उसका जो रिजल्ट आया उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो. एंड इन द सेम मैनर यू मे राइट डाउन सी डॉट ए क्रॉस बी. सभी रिजल्ट्स जब हम नेट पॉजिटिव रहेंगे तो ये सभी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप. अब अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करना है. मींस अगर वेक्टर ए हमें दिया हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड सिमिलरली बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स दिए हो तो कैसे सॉल्व करना है. तो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, आप लिखोगे ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड एंड देन सी एक्स सी वाई सी जेड. जो रिजल्ट यहाँ पे आ गया दैट विल रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप. यहाँ पे देखो मैंने आई जे के कैप नहीं लिखे. एक्चुअली अगर आप वैसा लिखते तो पहले आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आता फिर आपको डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ता. ऐसा करने से जो मेथड मैंने यहाँ पे फॉलो किया है आई जे के कैप को हटा के सीधा ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई जेड एंड सी एक्स सी वाई सी जेड लिख दिया है तो ये सारी कैलकुलेशन एक साथ हो जाएगी. अगर कभी किसी कैलकुलेशन में आपके पास वॉल्यूम जीरो आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पैरेलल पाइप ही नहीं बनेगी, क्योंकि प्लेन का वॉल्यूम जीरो होता है. मतलब इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम जीरो होने का मतलब कोई दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं. मींस जो पॉसिबिलिटी है आइदर एनी ऑफ द टू वेक्टर्स एनी टू ऑफ थ्री वेक्टर्स आर थ्री वेक्टर्स आर पैरेलल. ठीक है, और वी कैन से दैट ए बी एंड सी थ्री वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन. इनफैक्ट अगर हमें ये चेक करना हो कि क्या तीनों वेक्टर्स सेम प्लेन में लाइक कर रहे हैं, गिवन तीन वेक्टर्स सेम प्लेन में लाइक कर रहे हैं, तो हम उन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. हम लोग ए क्रॉस बी डॉट सी सॉल्व कर सकते हैं. अगर ये रिजल्ट जीरो आ जाए तो बेसिकली वो रिप्रेजेंट करेगा कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जीरो है, विच मीन्स दैट ए बी एंड सी ऑल थ्री वैक्टर्स लाइज इन सेम प्लेन. ओके, अब नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है. हमारे पास एक वेक्टर ए जिसकी मैग्नीट्यूड 2, वेक्टर बी जिसकी मैग्नीट्यूड 5 और ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड 8 दे रखी है. व्हाट इज एंगल बिटवीन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी. ओके, अगर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये कितनी होगी, ए बी साइन थीटा. ए बी साइन थीटा, यहाँ पे ये वैल्यू 8 आ गई, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा. इसका मतलब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 8/10 विच मीन्स 0.8. अब अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस 0.8 होल स्क्वेयर. ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट दिस वैल्यू 0.6. आपको ये समझना होगा यहाँ पर मैंने प्लस माइनस क्यों लिया. देखिए बेटा, जो साइन थीटा है वो पहले दोनों क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है. मींस चाहे एंगल
0 से 90 के बीच में लाई करे चाहे 90 से 180 के बीच में लाइन करे, साइन थीटा विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ से मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि थीटा 90 डिग्री से कम है या ज़्यादा है। तो इस पॉइंट को, इस रिस्क को कवर करने के लिए मैंने कॉस थीटा को प्लस माइनस में लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस थीटा है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम ए डॉट बी कैलकुलेट करेंगे। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था, ए बी कॉस थीटा। ए की मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में 2 दे रखी है, बी की मैग्नीट्यूड 5, कॉस थीटा हमने अभी लिखा प्लस माइनस 0.6, विच मीन्स दैट ए डॉट बी इज प्लस माइनस 6, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वट इज एंगल बिटवीन वैक्टर ए एंड ए क्रॉस बी। जैसा हमने पहले पढ़ा था, इनफैक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि अगर दो वैक्टर्स ए एंड बी जिनके बीच में स्मॉलर एंगल थीटा है, तो इन तीनों दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सी जो है वो ऐसे आएगा, और उसके लिए हमने डायरेक्शन सीखने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड स्क्रू रूल सीखा था, यही था। अब हमने ये कहा था कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। मीन्स एंगल बिटवीन ए एंड ए क्रॉस बी इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन बी एंड बी ए क्रॉस बी इज 90 डिग्री। बट हमने इस पार्ट की बात नहीं की थी, एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी। अब देखिए बेटा, अगर हमें ए प्लस बी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मेरे पास यहाँ पे ये रिजल्ट जो है ये ए प्लस बी आएगा। अब क्योंकि ए प्लस बी ए एंड बी वाले प्लेन में ही लाई करेगा, इसलिए ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कंसेप्चुअली समझो, अगर ए बी एक्स वाई प्लेन में है तो ए प्लस बी विल आल्सो लाई इन एक्स वाई प्लेन, बट जो ए क्रॉस बी है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, तो नेचुरली ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा। सिमिलरली इन द सेम वे, अगर ए माइनस बी कैलकुलेट करेंगे दैट विल आल्सो लाई इन एक्स वाई प्लेन एस ए एंड बी बोथ लाइज इन एक्स वाई प्लेन, देयरफॉर एंगल बिटवीन ए माइनस बी एंड ए क्रॉस बी विल बी अगेन 90 डिग्री। क्लियर जी। अब क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय दीज टू वेक्टर्स। हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे नोटिस करिए कि कैप नहीं है, तो हम यहाँ पर अपने कैलकुलेशन को पुराने स्टैंडर्ड वे से करने के लिए 0 × k कैप लिख लेते हैं, आई जे के। ठीक है, अब कॉफिशियंट्स लिख लीजिए आई जे और के के, 3, 5 एंड 0, देन इट इज़ -3, 7 एंड 0। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं। पहले आई विल रो और कॉलम को काट देंगे, ये हो जाएगा 5 × 0 - 7 × 0। पहले प्लस आई कैप आया था, अब माइनस जे कैप आएगा। अब जे वाले रो और कॉलम को काट देंगे तो ये बन जाएगा 3 × 0 माइनस अपनी तरफ से एंड -3 × 0, आखिर में प्लस के कैप। जब प्लस के कैप लिखेंगे तो ये दोनों काट देंगे, 3 × 7 माइनस अपनी तरफ से, फिर 5 × -3। पहली दो टर्म्स तो जीरो बन जाएंगी, सिर्फ आखिरी में मेरे पास 21 + 15 इट इज 36, तो इट इज 36 के कैप। तो ए क्रॉस बी वेक्टर मेरे पास 36 ए के कैप आ गया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी 36 यूनिट्स, means area of the parallelogram will be 36 units. Okay, ji? Now, next question is,
फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वैक्टर्स, मुझे साइन थीटा ढूंढना है। अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक फार्मूला याद है तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर 2, 3, -4, 2, 3 एंड -4, फिर बी वेक्टर के लिए 1, -2 एंड 2। ठीक है, अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए आई कैप, आई कैप वाले दो कॉलम को काट देंगे, 3 × 2, 6 माइनस, ये फिर से 8 हो गया, प्लस आई कैप था, अब माइनस जे कैप आएगा। जब माइनस जे कैप लिखेंगे तो इसके दो कॉलम को काट देंगे, ये हो जाएगा 4 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिए, प्लस के कैप, के कैप लिखेंगे तो ये कट जाएंगे, 2 × 4, -2, -4, 3 × 1, 3। तो ये हो जाएगा 2i-12j-7k। अब ये मेरे पास आ गया ए क्रॉस बी। अब मुझे ए क्रॉस बी की अगर मैग्नीट्यूड लिखनी हो तो दिस मे बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2² + 12² + 7² अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ द एंगल साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। कैलकुलेशन में आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक पे आखिरी क्वेश्चन। हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि इनिशियल वेलोसिटी 5 आई कैप से मूव कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन, इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रही है 3i-2j। एंड अब हमें इस पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करना है और इन दो क्वेश्चंस का आंसर करना है। अब देखिए, अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी देखो अलोंग एक्स एक्सिस इट इज 5, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इट इज 0, पार्टिकल की एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 3 एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस इज 2। अब हम एस एक्स का स्टैंडर्ड फार्मूला यूज कर सकते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। देखो बेटा, यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स और वाई को इंडिपेंडेंट कर सकते हो। क्वेश्चन में कहा कि जब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 84 हो जाएगी, एस एक्स क्वेश्चन में 84 दे रखा है, यू एक्स 5, तो हम ढूंढेंगे किस टाइम पे ये वैल्यू 84 हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास टाइम की वैल्यू 6 सेकेंड्स आ जाएगी। ये वैल्यू आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। अब यू वाई एंड यू ए वाई हमें दे रखा है, हमें एस वाई के लिए फॉर्मूला लिखना है, विच इज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हमें पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस देखनी है, यू वाई 0 दे रखा था, टाइम हमने अभी 6 सेकेंड्स कैलकुलेट कर लिया, ए हमारे पास 2 है, टाइम हमारे पास 6 सेकेंड्स है, इट मीन्स एस वाई मीन्स वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 36 मीटर व्हेन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इज 84 मीटर। क्लियर जी। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। पार्टिकल की स्पीड लिखने से पहले उसकी वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस व्हेन टाइम इज 6 सेकेंड। अब देखिए, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे लिखी जा सकती है, यू एक्स प्लस ए एक्स टी आई कैप प्लस अलोंग वाई एक्सिस इट मे बी रिटन एज यू वाई प्लस ए वाई टी जे कैप। क्लियर जी। अब देखिए, यू एक्स कितना था हमारे पास, ये लिखा हुआ है 5 प्लस एक्सेलरेशन थी 3 × 6 आई कैप प्लस वाई एक्सिस के अलोंग यू वाई 0 था, एक्सेलरेशन 2 थी 2 × 6 जे कैप। ये हो गया 18 + 5 = 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। वेलोसिटी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वही स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी, और इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर।
इसको सॉल्व करने के पास हमारे पास आंसर 25.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट।